तो देखो बच्चों, कल हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है ना, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। उसमें जो बेसिक चीज़ें थी, व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। उसके बाद हमने पढ़े थे व्हाट इज़ मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाकी रह गया था वो आज हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कल आपको बताया था एक एग्जांपल, व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोसिस। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके घर में जब आपकी मम्मी अचार बनाती है तो सबसे पहले जो आम की कैरी लाती है उसको नमक के पानी में क्या करती है, कुछ देर के लिए भिगो के रख देती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि नमक के पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, ज़्यादा होता है। यानी नमक अगर उसमें घुलता है तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में जाके डिजॉल्व होता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो आम की कैरी होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो कंटेंट होता है, लिक्विड वगैरह होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके मुकाबले कम होता है। तो जब आम की कैरी सॉल्ट के वाटर में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप आम की कैरी डालते हो तो आम की कैरी का जो कॉन्सेंट्रेशन है अंदर के लिक्विड का, वो कम होने के कारण वहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है। इसका मतलब आम की कैरी का पूरा फ्लूइड निकल के कहाँ पे जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में। इस तरीके से आम वो सिकुड़ जाता है, बराबर है। तो आम की कैरी देखिए, जब शुरुआत में मम्मी आपकी वो भिगाने के लिए डालती है नमक के पानी में तो वो बड़ी बड़ी रहती है, पर जब बाद में निकालती है तो वो सिकुड़ के थोड़ी चपटी बारीक हो जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ नथिंग बट डी ऑस्मोसिस। तो आपको ऑस्मोसिस क्या है पहले वो समझ लेना है। तो ऑस्मोसिस इज नथिंग बट डी द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, स्पॉन्टेनियस यानी स्पॉन्टेनियस यानी कंटिन्यू होते रहेगा स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है पर सॉलिड मॉलिक्यूल को अपने में से पास नहीं होने देता। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल को रोक के रखेगा। ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम क्या कर रहे हैं, द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, ये सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी आपके जो स्टमक होता है उसमें गैल ब्लैडर होता है, बराबर है। तो वो जो ब्लैडर होता है वो भी आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है। उसके बाद सेलुलोज का आप सेमी परमिएबल देख सकते हो, या एनिमल ब्लैडर जो मैंने आपको बताया वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। अगर आप सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखना चाहते हो तो इट इज़ द थिन फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड जनरली एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं ना वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन्स में वगैरह, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पे यूज़ होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो उसका जो बेसिक ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कॉपर का, उसको कैसे लिखते हैं, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, बराबर है। तो कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट दैट इज नथिंग बट डी कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब एग्जांपल है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। तो सेलुलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर, सेलुलोज और कॉपर फेरोसाइनाइड ऑल आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करते हो, पास करते हो, तो यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से निकल कर सॉल्वेंट कहाँ पे जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? अगर आपको ऑस्मोसिस समझा है तो अब हम अभी क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से क्रिएट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ऑस्मोसिस ही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ये थीसल, ये देखिए थेलिस ट्यूब है, बराबर है। इसको हमने क्या किया, एक बीकर में डिप किया है, बराबर है। और इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बराबर है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, ये जो फ्लास्क है यानी थीसल ये है फ्लास्क, तो इसमें हमने क्या किया, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है। हाँ, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, सुक्रोज, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया हुआ है। और इसको डिप किया हमने प्योर वाटर में, इसको क्या किया, डिप किया प्योर वाटर में, यानी वाटर में, प्योर वाटर में। तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, बराबर है, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। और ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन जैसे बिहेव करेगा, सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्योर वर्ड यूज किया है सॉल्वेंट के लिए, प्योर वाटर दैट इज नथिंग बट प्योर सॉल्वेंट। तो बेटा प्योर सॉल्वेंट का जो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, वो तो कम रहेगा क्योंकि उसमें कोई भी सुक्रोज की क्वांटिटी ऐड नहीं है। तो इसका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, लेस। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, लेस। और यहाँ पे जो फ्लास्क में आपको सुक्रोज सॉल्यूशन दिख रहा है, बराबर है, ये सॉल्यूशन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सुक्रोज मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस, कि लेस कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। तो सॉल्वेंट क्या करेंगे, यहाँ से विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर वो कहाँ पे जाएंगे बेटा, वो जाएंगे आपके सॉल्यूशन में, यानी सुक्रोज सॉल्यूशन में, बराबर है। जैसे ही वो सुक्रोज सॉल्यूशन में जाएंगे, सुक्रोज की जो पहली लेवल थी वो अभी बढ़कर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन हो जाएगा। और अभी वो पहले ये ओरिजिनल लेवल थी, ओरिजिनल लेवल, बराबर है। अभी ये लेवल बढ़कर कहाँ पे चली जाएंगी, आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। आफ्टर डाइल्यूशन आपको क्या मिलेंगी, ये लेवल मिल जाएंगी। पर ये कैपिलरी एक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के जो ये है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो हो रहा है, कहाँ पे, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो सुक्रोज सॉल्यूशन की तरफ है, बराबर है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे जो वाटर का कॉलम है यानी ये सॉल्यूशन का जो कॉलम है ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल के एंड पे, यहाँ पे वॉल के एंड पे एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डेवलप हो जाएगा, बराबर है। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस कारण हो रहा है डेवलप, ये लिक्विड कॉलम के कारण। तो ये जो लिक्विड कॉलम है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पे डेवलप करेगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑस्मोसिस वाला जो प्रेशर था यानी जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है उसको क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, उसको इक्विलिब्रियम करने का प्रयास करेगा प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। तो जैसे ही वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बैलेंस कर देगा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएंगी। मिस का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो ये आपका गलत होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड कॉलम। पर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोल रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर। तो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अवर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ क्या काम कर रहा है,
कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ना, जो फ्लो जा रहा था ऊपर के डायरेक्शन में बराबर है, उसको रोकने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के तौर पर काम कर रहा है, पर अलवेज आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज नथिंग बट डी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट डी एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के साइड की तरफ से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था वो स्टॉप हो जाएगा, दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट गेट स्टॉप। ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट अंडरस्टैंड? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाए कि वॉट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब अभी पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये मैं अभी रब कर देता हूँ, ये आपको समझाए करके मैं अभी इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक के भी इसमें दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशन है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हम ऑस्मेटिक प्रेशर के आधार पर इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच यू हैव टू ऑब्जर्व। नंबर वन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नंबर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड नंबर थ्री हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए अभी इसको पहले सविस्तर से समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, समझे क्या? व्हेन देयर आर टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर हमने ऐसे कोई दो सॉल्यूशन लिए है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या रखा है, सेम रखा है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हुए हमने देखा कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम आ रहा है, तो हम ऐसे वक्त क्या करेंगे, उस दोनों सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो दैट टू सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द अनदर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर सॉल्यूशन, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? उसके बाद है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो ऐसे वक्त उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में क्या करेंगे, थिंक करेंगे, क्योंकि लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपके एमसीक्यू बेस्ड में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो देयर आर फोर लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर है, नंबर वन है वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, दिस वर्क एज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दूसरा लॉ है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस वर्क एज अ कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नंबर थर्ड लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर में वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, इसमें जितने भी दोनों लॉ को कंबाइन करके उसका एक जनरल सॉल्यूशन निकाला है वो आपको दिया है। और चौथा लॉ है लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर में वेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, तो एवोगाड्रो आ गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या बोलता है वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट डी पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम पाई लिखते हैं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। इज इट क्लियर? अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन और सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और मैं सी को कैसे लिख सकता हूँ, एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सी इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम क्या कर सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो पाई is directly proportional to number of moles of solute and inversely proportional to the
वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू, देखिए पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम था. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है हम इसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते. तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट एन अपॉन वी हो जाएगा, बराबर है. अब क्या हो जाएगा, ये वी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू के इंटू एन. इज इट क्लियर, समझ रहे हो क्या. तो आप पाई वी, अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, के भी कांस्टेंट है, तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. इज इट क्लियर. तो पाई इंटू वी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज नथिंग बट डी कांस्टेंट. सो दिस लॉ इज नथिंग बट डी वेंट ऑफ बॉयज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इज इट क्लियर. अब पाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम वी की जगह पे क्या कर सकते थे बेटा, अगर हम वी की जगह पे एन बाय सी पुट करते तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता था, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्स में होता है कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है. तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ वी की जगह पे वन अपॉन सी, दैट इज नथिंग बट पाई बाय सी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते थे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय सी इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस इज अवर वेंटा बॉयज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इज इट क्लियर. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज नथिंग बट वेंटा बॉयज लॉ. इज इट क्लियर, समझे आपको. तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है वर्क, इतना याद रखना है आपको. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. इज इट क्लियर. तो हम अभी सेकंड लॉ देखेंगे, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में जो सेकंड लॉ है वो है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. अब देखिए ये जो चार्ल्स लॉ होता है, ये एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट जो भी है सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, बराबर है. तो पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी होता है, पाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है. अब देखिए पाए इज डायरेक्टली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो अगर हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा देता है तो पाए इज इक्वल टू के इंटू टी हो जाता है, बराबर है. दैट इज नथिंग बट डी पाए बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इज इट क्लियर, क्योंकि ये टी इधर जाएगा डिवाइड में, तो पाए बाय टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी एट कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. इज इट क्लियर, दैट लॉ इज नथिंग बट डी वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. इज इट क्लियर, ये बहुत आसान है. वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी. That is nothing but pi is equal to k into t. ये k क्या आ जाएगा, k constant है, बराबर है. तो ये t इसके divide में जाएगा, तो pi by t is equal to क्या हो जाएगा, constant. That is nothing but k is equal to pi by t is equal to constant. That is nothing but Wendt of Charles law. तो अभी आपने second laws of osmotic pressure भी पढ़ लिया है. उसके बाद है third, Wendt of general solution equation. अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो third law लाया है osmotic pressure में, ये कैसे लाया है बेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस टू लॉ, मीन्स नंबर वन वेंट ऑफ बॉयज लॉ और नंबर टू वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, इन दोनों को कंबाइन किया है तो क्या हो जाएगा. आपको आपने देखा कि पहले इसमें बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और दूसरे लॉ में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. दैट इज नथिंग बट वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन. अब हम क्या करते हैं, देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू टी बाय वी हो जाएगा, बराबर है. अब ये टी बाय वी हो गया तो ये v किधर चला जाएगा, अभी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाए इंटू वी इज इक्वल टू के इंटू टी. पर बेटा थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दो, पाए इंटू वी इज इक्वल टू के इंटू टी है. इसके पहले आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन था, पाए वी मीन्स पी इंटू वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम
इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर आर टी, ये आपको पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है करके। तो यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज नथिंग बट दी टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो पी इंटू वी इज इक्वल टू के टी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा कि पी इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल टू के टी। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि आर टी इज इक्वल टू के टी। अब इसमें देखिए आर और के दोनों क्या हो गया, सेम, दोनों क्या हो गया सेम, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, बराबर है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो आर इज इक्वल टू के हो जाएगा, बराबर है। तो देखिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, देयर फोर के इज इक्वल टू आर, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर इंटू टी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने डिराइव किया था कौन सा, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैस कॉन्स्टेंट आर इंटू टी, ठीक है। अब आप अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन के लिए लेते हो, दिस इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के लिए लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन अल्टीमेटली कन्वर्ट इंटू पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी। दैट इज नथिंग बट दी एन इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, आर इज नथिंग बट दी गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज नथिंग बट दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई इज नथिंग बट दी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वी इज नथिंग बट दी वॉल्यूम्स ऑफ द सोल्यूशन। तो दिस लॉ इज नथिंग बट दी वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो उसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, बराबर है। पर एन अपॉन वी इज नथिंग बट दी सी मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, समझे क्या। तो दिस इज ऑल्सो अ वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन, इज इट क्लियर। तो देखिए आपके पास वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन किस किस फॉर्म में है, सबसे पहले आपके फॉर्म में है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम के फॉर्म में है, ये पहला फॉर्म, ये आपको याद रखना है। फिर आपने इसको क्या किया, आपने इसको इस फॉर्म में लाया कि पी वी इज इक्वल टू मीन्स पाई इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, उस पर आपने बोला कि पाई इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि के और आर क्या हो गया सेम कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने के की जगह आर भी यूज़ किया है। फिर हमने बोला कि अगर पाई इंटू वी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो अगर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर हम लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, बराबर है। अब मैं ये वॉल्यूम को इधर लेके गया हूँ नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम एन अपॉन वी कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सी। तो दैट इज नथिंग बट दी पाई इज इक्वल टू सी आर टी, दिस इज द लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस इज नोन एज वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन आपका ये जो थर्ड लॉ है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर चौथा लॉ है वेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ, क्या देखेंगे बेटा, वेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझने के लिए आसानी जाएंगी। देखिए बेटा वेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है बेटा, सेम है, ऐसे दो सॉल्यूशन इनका अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम लिया है, यानी वॉल्यूम इक्वल लिया है, जितना भी है वॉल्यूम इक्वल लिया है दोनों का, कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो उनमें जो सॉलिड पार्टिकल रहेंगे वो भी इक्वल नंबर के रहेंगे एट गिवन टेम्परेचर, सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी मीन्स ऑस्मेटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी, इज इट क्लियर। ये तो हमने इसके पहले भी कंबाइंड इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन में पढ़ा था। तो वेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसका दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर कैसा है, सेम है, उन दोनों का अगर हमने इक्वल वॉल्यूम लिया तो क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इक्वल होते हैं दोनों इसमें, सॉल्यूशन ए में भी और सॉल्यूशन बी में भी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, अब पहले सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन आर टी वन, बराबर है फॉर सॉल्यूशन ए, फॉर सॉल्यूशन वन, ठीक है। और दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई टू वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी टू, ये फॉर सॉल्यूशन टू। अब देखिए
दोनों केस में मैंने आपको बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों इसमें सेम रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा दोनों का, बराबर है। वॉल्यूम भी सेम है तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट भी सेम है, बराबर है। और टेम्परेचर भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये दोनों टेम्परेचर क्या है, गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो आपके पास बचा क्या, एन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एन वन इज इक्वल टू एन टू हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट डी वेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, बराबर है। मीन्स फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन वेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सोल्यूशन आर सेम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम सो देन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑल्सो। यानी आपने वॉल्यूम अगर सेम लिया है और वो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, दोनों इसमें सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक के ऊपर दो MCQ अभी तक पूछे हुए नीट में, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर अभी तक दो MCQ पूछे हुए नीट में, ठीक है। तो फॉर एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूट पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन है ना, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर डी ना नन ऑफ द अबव। तो इस पर आपको एग्जैक्टली चूज करना था कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो ऐसे दो क्वेश्चन नीट में अभी तक इसमें पूछे हुए हैं। उसके बाद ये अपना भी लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं बेटा इसको भी यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है। ये हमारा अभी चौथा टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। बेटा ये एबनॉर्मल का मतलब क्या है, कुछ हटके अलग अलग इसमें दिखाना, ठीक है। दैट इज नथिंग बट डी एबनॉर्मल, ठीक है। यानी जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सडनली थोड़ा सा कुछ हटके प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आपको कब दिखाई देते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बेटा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास जो होता है ना, वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अभी आपको पता है जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक तो वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं या नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। तो आपको पता है जो गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, बराबर है, वाटर में या सोल्यूशन में 100% डिसोसिएशन होगा उनका, बराबर है। और वो अगर नॉन वोलेटाइल है तो वो पूरे सोल्यूशन में ही रहेंगे, सोल्यूशन के बाहर नहीं निकलेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में रहेंगे सॉल्यूट के, उसी के आधार पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेंगी सॉल्यूशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए बी दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट depends on the actual number of solute particles present in the solution. यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट रहेंगी सोल्यूशन की किसके साथ, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड के ऊपर, तो वो डिपेंड करेंगी कि एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल उस सोल्यूशन में कितने हैं उसके ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, इज इट क्लियर। फिर हम देखेंगे एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल अगर होता है तो क्या होता है, मॉलिकुलर मास में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब कभी एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल होगा, जब कभी भी होगा एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल जब भी होगा, तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास रहेगा, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास रहेगा वो ऑलमोस्ट डबल्ड रहेगा, डबल्ड। इसके ऊपर बेटा नीट में 3 बार MCQ पूछा है अभी तक, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बोला है, वेन एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल टेक प्लेस, जब कभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3 COOH, ये क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जब एसोसिएशन हो जाएगा तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इकट्ठा आके फिर क्या बनाएगा, देखिए अगर ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इकट्ठा आ गए तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे CH3 COOH 2 times,
बराबर है, दो CH3 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 COOH दो बार आ गए तो ये कंबाइन होके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, बराबर है, जिससे एसोसिएशन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का और पास में आ जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। तो जिससे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, सडनली डबल हो जाएगा, मीन्स का मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। देखिए आपने यहाँ पे मान लीजिए अगर 40 क्या किए एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स अगर आपने सोल्यूशन बनाने के लिए दे दिए डाइल्यूशन करने के लिए, तो वो जाके 40 एसिटिक एसिड 20 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो डबल हो जाएंगे ना, तो मॉलिकुलर मास डबल हो गया तो 20 ही पार्टिकल रहेंगे। और एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल्स पे सोल्यूशन में, और एक्चुअल पार्टिकल अगर वो कम हो गए, हाफ हो गए, तो मॉलिक्यूल